आइए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 और इसको जरा सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, यहां पर बेटा क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ठीक है। तो a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर b और प्लस 3 a b का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं बेटा, 1 ओवर 3 का क्यूब होता है 27। यहां पर जरा देखिए, आयोटा का जब आप क्यूब करते हो तो माइनस आयोटा आता है, ठीक है, तो वो माइनस आ गया बाहर, और 3 का क्यूब होता है 27 और आयोटा का आयोटा, ठीक है। प्लस यहां पर जरा देखिए, 3 3 9 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और साथ में क्या है बेटा, आयोटा भी है। प्लस यहां पर देखो, 3 से 3 कैंसिल आउट और क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर होता है बेटा -1। समझ में आ रही बात या नहीं? यहां पर जरा देखिए, 9 से 9 भी कैंसिल आउट, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 1 ओवर 27 माइनस 27 का 27 आयोटा, यहां पर बचेगा बेटा प्लस आयोटा और यहां पर आ जाएगा -9। अब आपको करना क्या है बेटा, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ लिखना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखना है, ठीक है। तो जरा देखिए, 1 ओवर 27 माइनस 9, यहां पर बेटा इसको और इसको सॉल्व करो, देखो यहां पे कुछ भी नहीं तो क्या है 1, तो ये आ जाएगा -26 आयोटा। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगों तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइनस 9 7 63 और 9 2 18 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 26 आयोटा, सही है। अब जरा देखो, इसको सॉल्व करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 242 वो भी माइनस का, और नीचे कितना है बेटा 27 और यहां पर क्या आ गया -26 आयोटा, विच इज इक्वल टू, विच इज इन द फॉर्म 1 a + iota b। समझ में आ रही बात है नहीं? इस तरीके से बेटा आपको कन्वर्ट करके लिखना है, प्लीज नोट इट डाउन।